हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सोकर उठ गया हूँ। अभी चलते हैं, कुछ काम करते हैं यार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हमारे घर में आतंक मचा हुआ है। जी हाँ, आतंक मच गया है। और आतंक इस चीज़ का मचा है, आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। हमारे घर में मधुमक्खियों ने अटैक मार दिया है। और मेरे घर में ही इधर बगल में ही मधुमक्खी ने छत्ते बनाए हुए थे, और पता नहीं क्या वहाँ से हुआ, ढेर सारी मधुमक्खियाँ निकली और पूरे घर पर अटैक मार दी है। और लकी जो है उसको काट भी ली है। आप देखिए ये यहाँ लकी को आज मैं अपने पास रखा हूँ, इसके मुँह पे काट ली है पूरी मधुमक्खी, सो रहा है पूरा, इसको काट ली है, तब से बहुत परेशान है। सो देखते हैं अभी इसको भी कुछ दबाव वगैरह लगाते हैं। यार पूरा दम इसके मुंह के ऐसे फूल गया है। हम लोग को भी पीछे पीछे दौड़ा ली थी, बहुत बच कर भागे हैं। तो अभी देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं यार। और दम आतंक फैला हुआ, देखते हैं कब तक इनका आतंक फैला रहता है। सुबह से पर मतलब मैं 8 बजे से उठा हूँ, तब से इनका आतंक फैला हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिलहाल अभी चलते हैं, नहाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ाई करते हैं। यार पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो मतलब ना के बराबर हो पा रही है, और पढ़ाई नहीं होगी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेट्स गो। हे गाइस, अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, अभी चलते हैं पढ़ाई करने। लेकिन उससे पहले कुछ सामान लाना है। मम्मी ने कहा कि कुछ सब्जी वगैरह ला के रख दो, क्योंकि आज शाम को हमारे घर पे चौथ की पूजा है। सबके यहाँ होगी, बहुत सब लोग मनाते हैं चौथ की पूजा। और इसमें रहता है कि जो मदर रहती हैं वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो आज उसी की पूजा है, रात में होती है, जब चाँद निकल है तब उसी समय होती है पूजा। तो आपको आज रात का व्यू भी दिखाएंगे जब पूजा होगी, सारी चीज़ें। लेकिन अभी उससे पहले चलते हैं, सामान लाते हैं, सामान ला के फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई करके फिर उसके बाद पूरा दिन इंजॉय करेंगे। सो हे गाइस, अभी मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और ये मीडिया मेंटोर करके एक चैनल है, जो कि एक मैम है जो मीडिया मेंटोर का चैनल चलाती हैं। और ये बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें बताती हैं। इन्होंने IMC के बारे में बताया है कि IMC का एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने इस वीडियो में बताई है। और ये वीडियो इनकी 8 दिन पुरानी वीडियो है, और इन्होंने बहुत क्लियरली सारी चीज़ें बताई है। और इन्होंने अपने वीडियो में एक बात ये भी कही है कि इनके चैनल पर कुछ टाइम बाद, मतलब अराउंड 1 वीक या 2 वीक बाद, एक वीडियो ये अपलोड और करेंगी, जिसमें ये सारी चीज़ें बताएंगी IMC के सिलेबस के बारे में, IMC में आपको क्या पढ़ाई करनी है, और मतलब एक एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारे सिलेबस में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि ये आपको बताएंगी। और वेट करते हैं इनके चैनल पर वो वीडियो आने का, क्योंकि यार वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इनकी सारी वीडियो मैं देखता हूँ, और इनकी सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है मुझे इनकी हर वीडियो से। और अगर आपको इनके चैनल पे विजिट करना है तो आप यूट्यूब पे जाके मीडिया मेंटोर सर्च करिएगा, इनका चैनल अपने आप सबसे ऊपर ही आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके इनकी हर वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली IMC भी डालेंगे तो इनकी वीडियो, IMC वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले ही शो कर देगी, क्योंकि इनकी वीडियो में जो भी एक्सप्लेनेशन रहता है ना वो बहुत ही यूनिक रहता है। तो ये मतलब एक समझाने का तरीका इनका बहुत ही अच्छा है। तो आप जाइएगा, इनके वीडियो को विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छे से ये समझा रही हैं सारी चीज़ें। जिसको भी IMC में जाना है या IMC की चीज़ें समझनी है, IMC क्या है क्या नहीं है, बाकी एक शॉर्ट में मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि IMC क्या है क्या नहीं है, आप मेरे वीडियो को देख भी सकते हैं। और बाकी इनके भी वीडियो को आप देख सकते हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, IMC की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट जो है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। और उसमें आपको क्या मतलब एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जो कोर्स है उसकी फ़ीस, उसके जो कोर्स की फ़ीस है वो सारी चीज़ें, और IMC
किस किस प्लेस पे है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, और हर जगह की, क्योंकि IMC की जो भी ब्रांचेज हैं, हर जगह की ब्रांचेज में अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे जो महंगी है वो दिल्ली की है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टीवी जर्नलिज्म, जो कि रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म वाला अगर आप कोर्स चूज करते हैं, तो उसकी फीस 1 ईयर की 1,60,000 के आसपास है, 1,68,000 के आसपास है। और अगर आप हिंदी जर्नलिज्म या इंग्लिश जर्नलिज्म चूज करते हैं, तो उसकी फीस अराउंड आपकी लगभग पड़ती है 87 के आसपास पूरे साल की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PG डिप्लोमा ही होता है, यहाँ पे कोई आपका बैचलर डिग्री नहीं होती है। आपको अगर IMC में आना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ये यहाँ की एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप IMC में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, IMC में कुछ भी, मतलब IMC में ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। तो आप इनकी वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, बाकी मैंने भी आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी हैं। और अभी इनका जो वीडियो आने वाला है उसका वेट करते हैं यार, वो भी ये सारी चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो जिसको भी IMC में जाना है, प्लीज़ डू फॉलो हिम। एंड अगर मुझसे भी आपको कुछ चीज़ जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं IMC की तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ, और IMC मुझे देखना है, अगर निकल जाएगा तो यार बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर जो जो भी IMC की तैयारी करना चाहता है वो मुझसे जुड़े रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मेरी इंस्टाग्राम के लिंक आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं IMC से रिलेटेड, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है मैं आपको उतना बताऊँगा। बाकी भाई देखो, अगर मैं इस फील्ड में घुसा हूँ, इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, तो मैं दिन ब दिन डे डे बाई डे मैं हर चीज़ को रिसर्च करके निकालता हूँ, तो मुझे छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती है, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जितना मैं जानता रहूँगा। बाकी आप भी अगर करना है MC तो यार स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप ग्रेजुएट होने भी वाले हैं तो भी आप अपीयर कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। मैं खुद अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मैं अपीयरिंग में हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद ये लास्ट सेमेस्टर जैसे ख़त्म होगा, फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मैं IMC के लिए करूँगा। बट हाँ, ये है कि इसमें मैं IMC की तैयारी अभी से कर रहा हूँ, और IMC का जो फॉर्म आता है वो मई में आता है, मई में फॉर्म आता है, और इसका जो जून में इसका क्या कहते हैं लास्ट डेट होती है, मतलब 2 वीक के अंदर इसके फॉर्म का जो एंड हो जाता है, फिर उसके बाद आपके जून के जो लास्ट और उनका जो 4th वीक होता है उसमें आपका एडमिट कार्ड बन के आता है। एडमिट कार्ड अगर आपका नहीं बनना है तो आप एलिजिबल ही नहीं है उसका एंट्रेंस देने के लिए। तो इसका जुलाई में एंट्रेंस होता है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लगभग अभी 5 महीने का टाइम है, मैंने भी स्टार्ट कर दी है। और इनका वीडियो आने के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वेट है इनके वीडियो का जल्द से जल्द। और मैंने इनको मैसेज भी किया है इंस्टा पे, सो देखते हैं अगर रिप्लाई आता है, वैसे देखते हैं अगर रिप्लाई, क्योंकि इन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया है इस वीडियो में, तो इन्होंने कहा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी, और वहाँ पे पूछ भी लेंगे कि आपका वो वीडियो कब आएगा। सो अगर वो वीडियो आता है तो मैं आपको एक बार अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पिन कर दूंगा कि उनका वीडियो आ गया है, आप जाकर देख सकते हैं IMC। सो चलिए, अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मैंने देख ली हैं, अभी चलते हैं दूसरा काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं पूजा के टाइम पे। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा काम है, सो मैं अभी इस वक्त ब्लॉग नहीं शूट कर सकता, अब मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली शाम को। सो चलिए, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पूजा के टाइम पे। गाइज, रात के बज गए हैं 9, और अभी चलते हैं, पूजा स्टार्ट होने वाली है, लकी लकी की आवाज़ निकलने लग गई है, लकी को खाना चाहिए, खाना खाने का टाइम हो गया, अब उसका जो चूहा था वो ठीक हो गया है। अभी चलते हैं, पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और देखते हैं चांद निकला है कि नहीं। तो यहाँ पे पूजा होगी, आप देखें ये पूरा एरिया बनाया गया है, यहाँ पे पूजा होगी, और चांद इस साइड से निकलेगा, तो देखते हैं चांद कब निकलेगा, अभी तक तो नहीं निकला है, निकल जाए फिर पूजा स्टार्ट हो।
सो हे गाइस, पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं एडिटिंग करते हैं। रात के बज रहे हैं 10:30। पूजा खत्म होते होते काफी लेट हो गया। अभी चलते हैं वीडियो एडिट करते हैं। वीडियो एडिट करने के बाद सोना है। लेकिन 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 सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी ही है यार। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो खत्म होने का नाम नहीं लेगी, जिंदगी में नहीं लेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्योंकि देखो, लाइफ में प्रॉब्लम है तभी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो प्रॉब्लम है तो फेस करना है उसको। तो चलते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं। प्रॉब्लम मेरी ये है कि वीडियो एडिट करना है, रेंडर लगाना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रात में मेरी वीडियो अपलोडिंग पे जाती है यार। वोडाफोन का नेट पता नहीं क्या हो गया, 3 दिन से उसमें अनलिमिटेड डेटा दे ही नहीं रहा। नहीं तो उसके पहले तक अनलिमिटेड डेटा देता था वोडाफोन, और जब डेटा की जरूरत नहीं थी मेरे पास तब मुझे अनलिमिटेड दिया जाता था। जब डेटा की जरूरत है वो भी सह लेंगे, थोड़ा वो भी सह लेंगे। तो चलिए, रात के 12 बजे मुझे डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और वीडियो आपको किसी भी कंडीशन पर कल 9 बजे मिलेगी, और डेली बेसिस पे आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी। सो वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जैसे भी आप प्यार हमें दे रहे हैं। हमारी फैमिली जल्द से जल्द बड़ी होगी, और इसी तरीके से हम एक दूसरे से प्यार बांटते रहेंगे। तो चलिए, अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। टाटा।